और इस वक्त मेरे साथ फिरोजाबाद से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वरुण सिन्हा। तो वरुण, आप जिस सीट पर मौजूद हैं, जो आज यूपी की 10 सीटों में से 3 सीटें और सीधे सीधे यादव परिवार की साख इन सीटों से जुड़ी है, उनमें से एक फिरोजाबाद भी है, यहां जनता क्या कह रही है, क्या मुद्दे जहन में है, क्योंकि सीधा सीधा अखिलेश की ताकत भी भांपी जाएगी। बिल्कुल भापी भी जाएगी, और शायद यही वजह है कि चाहे इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर और यहाँ की बात करें तो ये पूरी एक बेल्ट है जिसे समाजवादी पार्टी पहले अपने गढ़ के तौर पे जानती थी। 2019 में कई सीटें फिसली हाथ से, और फिरोजाबाद का इतिहास तो रहा है कि 4 बार भाजपा, 4 बार जो है समाजवादी पार्टी, ऐसी स्थिति रही है। अक्षय यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो सीधे तौर पर जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे अक्षय के समर्थन में, तो तमाम वो बातें करते नजर आए जिस जो पहले कहीं ना कहीं ये समझाने की बात थी कि परिवार एक है, समाजवादी पार्टी एक जुटता के साथ चुनाव लड़ी है, और जनता किस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को चुने उसकी वजह बताई। कुछ लोग मेरे साथ हैं और अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातें। सबसे बड़ा मुद्दा फिरोजाबाद का आपके दिमाग में क्या है, क्या परेशानी, या सब कुछ सही, क्या दिमाग में? ठीक है, सब कुछ सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। क्या जहन में क्या था कि जब आप वोट डालने आए? भैया मोदी, मोदी जी। क्या वजह? मोदी से सर एक तो गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, अच्छा बहुत अच्छा हो, और सारे सारे काम सिस्टम से होते हैं। जी, हमारा तो मोदी। क्या स्थिति है यहाँ के, मुद्दे क्या हैं लोकल आपके? सर यहाँ के मुद्दे ये हैं कि यहाँ डेवलपमेंट धीरे धीरे काफ़ी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा बहुत है। पहले हमें डर लगता था निकलने में, आज हमारी मतलब बहन बेटियाँ, हम लोग खुद सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, और बाकी जो भी एक हिंदुत्व के लिए होना हो रहा है वो बेटर हो रहा है। कांच का उद्योग कितना बड़ा, कितना घटा, लोग कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्री थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या परिस्थिति, क्या वो मुद्दा है यहाँ के मजदूरों के लिए? देखिए वो तो नेगेटिव ही हर तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, पहले से बेटर ही हुआ है, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, पहले से कुछ अच्छा ही हुआ है यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं इस बार अगर मैं आपसे पूछूँ, फिरोजाबाद में रोज़गार कितना है? रोज़गार तो है, रोज़गार है, लेकिन आगे भी होगा रोज़गार तो। और मुकाबला इस बार कैसा लग रहा है, टक्कर तो बराबर की है, सब में ज़्यादा बराबर की है। क्या करते हैं आप? मैं तो वर्क ही करता हूँ, मोबाइल की शॉप है मेरी। अच्छा, क्या स्थिति है अगर फिरोजाबाद की बात करूँ मैं, अपने जहन में मुद्दे कौन कौन से हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से अपनी गढ़ के तौर पे वापसी करना चाहती है कि पहले की स्थिति बने, और यहाँ पर बीजेपी तो पहले से है ही, बीजेपी पहले से है, बाकी इस बार भी उम्मीद यही है कि बीजेपी ही सरकार बनने जा रही है, और अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, वर्क भी काफ़ी अच्छा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, अगर मैं आपसे मुद्दों की बात करूं, थोड़ा आगे आ जाइए, तो कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में थे जो दिमाग में रखकर आप वोट डालने गई फिरोजाबाद को लेकर, क्या दिमाग? गुंडागर्दी कम हो, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, यही सब। एजुकेशन बड़ा मुद्दा है आपके लिए, और क्या? हेल्थ सेक्टर कैसा है यहाँ पर, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं? नहीं है, अच्छी। अच्छा, ये तो चलिए लोकल बातें हो गई, राष्ट्र के मुद्दों की अगर बात करें तो राम मंदिर के दिमाग में था क्या, और 370 की बात थी क्या, राष्ट्रवाद की बात भी जहन में है, या फिर ये आपको लगता है ये बड़े मुद्दे नहीं लगते, आपको लगता है लोकल मुद्दों पर बात होती है? सारे बड़े मुद्दे, लोकसभा का चुनाव, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे बड़े मुद्दे ऑब्वियसली। कौन कौन से मुद्दे जहन में थे? अभी तो सबसे पहले सोसाइटी में जो इतना सब कुछ हो रहा है उसको लेकर, एंड एजुकेशन के ऊपर, एंड गर्ल्स के ऊपर जो इतना सब कुछ चल रहा है, करप्टेड जो चीज़ें हो रही हैं, सारी ये सब ऑफिशियली बड़े मुद्दे हैं, सारी मुद्दे जहन में हैं और उसी हिसाब से सोच करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो यहाँ पर रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा, कई लोग बोल रहे हैं रोज़गार है, कई कहते हैं नहीं है, फैक्ट्रीज आई पिछले कुछ सालों में, सब ठंडा पड़ा हुआ है यहाँ का, शीशा उद्योग, सीजा उद्योग, कांच का भी उद्योग ठंडा है, और भी काम सारे सब ठप पड़े हुए हैं। तो अपनी अपनी सोच, अपने अपने मुद्दे शायद जहन में अगर आप देखेंगे, अब पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाऊं आपको, आप देखेंगे तो लोग थोड़े से कम होने शुरू हो चुके हैं, दोपहर का समय है, तपती धूप सर पे है, और हर कोई जानता है कि इस समय थोड़े से वोटिंग परसेंटेज में अंतर आता ही है, लेकिन वोटर्स का उत्साह कम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो जानते हैं कि जितना समय मिले उस उत्साह के साथ वोट किया जाए। फिरोजाबाद की तमाम गलियों में जगह जगह वोटिंग परसेंटेज अपने हिसाब से जरूर निखरेगी, थोड़ी सी धूप कम होगी तो हो सकता है 4 बजे के बाद आपको लाइनें दिखने दी। प्रशांत गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ, बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रशांत गुप्ता, अगर मैं फिरोजाबाद की बात कर रही हूँ तो क्योंकि दोपहर का वक्त है, भीड़ थोड़ी और कम या होती नजर आ रही है, बरेली की क्या तस्वीर?
देखिए बरेली की अगर हम बात करें तो कई पोलिंग बूथ पर अभी भी चहलकदमी जारी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वोट करने के लिए, लेकिन कई सारे बूथ हैं जो अब खाली हो चुके हैं और वहां पर अगर गांव देहात की बात करें तो वहां पर वैसी स्थिति नहीं है। अगर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं, ये एक अच्छा बड़ा बूथ है, यहाँ पे मिक्स आबादी के लोग हैं यहाँ पे और तमाम लोग यहाँ पे वोट करने जा रहे हैं, खासतौर से लोग परिवार के साथ में आ रहे हैं। वोट कर रहे हैं आप, क्या उम्मीद, क्या मुद्दे थे इस बार दिमाग में, क्या जहन में था? जहन में यही था, बस अच्छी सरकार बन जाए, हमारा वोट कामयाब हो जाए और समाज में काम होए। हाँ। अच्छा, बस किस तरीके का काम हो समाज में? समाज में यही काम, बस रोड की जाम की समस्या, जाने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानियों का आलम से बन गया यहाँ पे। तो बरेली की बात करें तो पुल बनने से तो यह है ना, पुल अभी चालू हुए हैं, उससे पहले दिक्कतें उठाई हैं, बहुत बहुत दिक्कतें यहाँ पे होती है। वोट डाला है? जा रहे हैं। कुछ क्या सोच के जा रहे हैं, कुछ है दिमाग में? जो है वो है, हम तो वही सोचेंगे। अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा काम क्या है, वही तो पूछ रहे हैं। ये है क्या है जो मोदी कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई काम गलत नहीं करा। हाँ। बस ये कहो गुंडागरी खत्म कर दी। हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, बस ये है गरीबों को जरा जो परेशान है। हाँ। उनको और जरा ध्यान दे दे। अच्छा, बाकी सब बढ़िया चल रही है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। चलिए, तो हमारी नजर में सब सही चल, सब सही चल रहा है। और आपस में मिला दे। हाँ। प्यार मोहब्बत जैसी। हाँ। पहले था हमारे जमाने में, तो अभी नहीं है क्या? अभी है। हाँ। वो इधर को चल दिया, वो इधर को थोड़ा सा। हाँ। लोगों के दिमाग में फतूर है, वो खत्म हो जाएंगे, वो फतूर खत्म हो जाए तो सब चीज़। अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मोती जीत जाएंगे। अच्छा, चलिए, तो ये अभी महिलाओं से बात करते हैं। यहाँ पे इस बूथ पे मुझे एक बड़ा कुछ अच्छा देखने को मिला कि महिलाएं खूब बड़ी संख्या में आ रही हैं और आप तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। वोट डाल दिया? क्या सोचिए वोट डाला इस बार, जो पहले था वो अब की भी? पहले और अब में कुछ बदलाव है? कुछ चीजें जो 2019 में या 2014 में जो खर्चा मिलता था उसमें कुछ कटौती हुई है क्या घर में? कटौती हुई है, लेकिन बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, इसलिए जो मोदी आएगा तो मोदी ही आएगा। अच्छा जी, तो ये तो बाकी और कुछ जहन में था बरेली के कुछ मुद्दे या कुछ राष्ट्र के मुद्दे, क्या सोच रहे हैं? राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है, बरेली को ध्यान में रखते हुए वोट नहीं दिया है। अच्छा जी, तो बरेली क्या मतलब आप उम्मीदवार हैं उनसे क्या संतोष नहीं है? विकास होगा तो बरेली का भी विकास हो ही जाएगा। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हम लोगों को देखने को मिला। आप लोग वोट डाला है क्या? आप तो युवा हैं, क्या सोच के वोट डाला है इस बार? सब कुछ अच्छा होगा, बहुत विकास होने वाला है आगे, बहुत अच्छा काम आने वाला है आगे अगले 5 सालों में। अच्छा, और अभी तक जो काम हुए वो अच्छे हुए कि नहीं, उससे संतुष्ट हैं? सब बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ। मोदी सरकार, आप तो एकदम पूजा वूजा करके टीका एका लगा कर आए हैं, वोट तो रोज सुबह करते हैं, तो दोपहर में क्यों वोट डालने आए? तो लेट भी हो गए। हम तो सुबह डाल गए थे 8 बजे। अच्छा, अभी फिर किसको? भैया का वोट मिल नहीं रहा, ढूंढ के डलवाया उनका वोट। अच्छा जी, तो क्या माहौल बरेली का? वोटिंग हो रही है, अच्छी वोटिंग हो रही है, अच्छी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार जो कैंडिडेट चेंज कर दिए गए, संतोष गंगवार जी काफी बड़े लंबे समय से बीजेपी का यहाँ पे फूल कमल का फूल लेके घूम रहे थे 40 साल से, जी जी जी। तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, देखिए ये एक बात आप समझ लीजिए कि दो जितने बूथ पर भी हम लोग गए हैं यहाँ पे 40 साल से संतोष गंगवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, 8 बार के सांसद थे और इस बार उनका टिकट काट दिया गया, 75 साल से पार कर गए। और कुर्मी वोटर जो कि यहाँ पे संख्या लगभग 4 लाख से ज्यादा है कुर्मी वोटर की, उनको मनाने के लिए छत्रपाल गंगवार को दिया गया टिकट, जो कि बहेड़ी थे चुनाव लड़े थे और इस बार हार गए थे 2022 में, लेकिन उसके बाद फिर से भरोसा जताया बीजेपी ने। और ये वजह थी कि सिर्फ कुर्मी वोटर ना कटे, क्योंकि मुस्लिम वोटर बाहुल्य सीट है यहाँ पे, लगभग 30% से ज्यादा वोटर हैं। और उसके बाद अगर कोई वोटर आते हैं तो गंगवार वोटर यानी कुर्मी वोटर आते हैं, उनको साधने के लिए यहाँ पे खेला गया। और उसके बावजूद भी जबकि बहेड़ी में आते हैं और बहेड़ी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है शहर से जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जो वोट दिया जा रहा है वो यहाँ पे वोट मोदी नाम पे पड़ रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि मोदी लहर भी क्या इस बार देखने को मिलती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।